अफ्रीका का रहने वाला एक काला हबशी टैयू और मणिपुर की रहने वाली खूबसूरत मॉडल जॉनसन की कहानी बहुत दर्दनाक और हिला देने वाली है। प्रांजल सिंह के साथ उसके संबंध इस हद तक बदतर हो गए थे कि लोग उसे जानवर की तरह व्यवहार करते हुए देखते थे। लोग कहते हैं कि इतनी चीखें सुनाई देती थीं कि घरों के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते थे। प्रांजल को यह कभी नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ वह प्यार का सपना देख रही है वह दरअसल एक जानवर से भी बदतर है, इंसान के रूप में एक राक्षस। यह कहानी बेहद मार्मिक और दर्दनाक है। अंत तक इस सफर में हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, यू मैकेनिक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल्पना कीजिए एक खूबसूरत और मासूम लड़की जिसका सपना था मिस इंडिया बनना। उसने अपनी मेहनत और लगन से मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन एक गलत फैसला, एक गलत संगत और उसकी जिंदगी पल भर में बर्बाद हो गई। नशे की लत, बर्बादी का जाल और इंसानियत के नाम पर एक भयानक सौदा। यह कहानी है प्रांजल की, जो सपनों से शुरू होकर अंधेरे में खो गई। लेकिन क्या वह अंधेरे से निकल पाई या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई? जानिए इस दर्दनाक सफर की पूरी सच्चाई। देखिए हमारी आज की कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी। मणिपुर के इंफाल शहर में बसे महक सिंह का हैंडलूम का अच्छा खासा कारोबार था। समाज में उनका मान सम्मान और रसूख था। महक सिंह के 5 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी प्रांजल सिंह थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार प्रांजल की एक ख्वाहिश थी, मिस इंडिया बनना। उसकी खूबसूरती देखते हुए परिवार के लोग भी उसका सपना पूरा करने के लिए उसका समर्थन करते थे, लेकिन वे यह भी चाहते थे कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। प्रांजल ने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने माता पिता से दिल्ली जाकर मॉडलिंग में करियर बनाने की बात की। परिवार ने सहमति दी और यह तय हुआ कि प्रांजल ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में भी प्रयास करेगी। अगस्त 2020 में प्रांजल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली चली गई। दिल्ली में उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्गी कॉलेज में दाखिला लिया। नई जगह और नए माहौल में प्रांजल ने खुद को पूरी तरह से ढाल लिया। कॉलेज की पढ़ाई और मॉडलिंग का सपना दोनों पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगे। उनमें से प्राची नाम की लड़की उसकी सबसे करीबी बन गई। प्राची बहुत ही आधुनिक सोच वाली और खुले विचारों की थी। उसने प्रांजल के मॉडलिंग के शौक को और प्रोत्साहित किया। समय के साथ प्रांजल ने मॉडलिंग में भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वह अपने फोटोशूट करवाकर मॉडलिंग एजेंसियों और कोऑर्डिनेटर्स के पास जाने लगी। उसकी खूबसूरती और मेहनत का असर दिखा। जल्द ही उसे छोटे मोटे रैंप शो और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। एक दिन प्रांजल की एक मॉडल दोस्त ने सुझाव दिया कि अगर वह बड़ी सफलता चाहती है तो उसे बड़े बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ाना होगा। इसके लिए पार्टियों में जाना जरूरी था। प्रांजल ने हिचकिचाते हुए सहमति दे दी। इसके बाद वह अपनी दोस्त के साथ नोएडा के पास सूरजपुर फार्म हाउस में एक पार्टी में गई। पार्टी में हर तरफ नशे और शोर शराबे का माहौल था। प्रांजल की दोस्त ने उसे ड्रग्स लेने का सुझाव दिया। प्रांजल ने पहले तो मना किया, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। इसी पार्टी में उसकी मुलाकात एक नाइजीरियन व्यक्ति जॉनसन टैयू से हुई। टैयू न केवल ड्रग्स सप्लाई करता था, बल्कि पार्टी में उसकी एक अलग ही पहचान थी। प्रांजल धीरे धीरे टैयू के नजदीक आने लगी। ड्रग्स की लत उसे इस कदर जकड़ने लगी कि वह बार बार टैयू के संपर्क में रहने लगी। कुछ ही समय में प्रांजल और टैयू के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि प्रांजल ने अपने रिश्तेदारों का घर छोड़कर टैयू के साथ रहने का फैसला कर लिया। वे मुनिरका इलाके में एक फ्लैट में रहने लगे। ड्रग्स की लत के कारण प्रांजल का जीवन बुरी तरह बदल गया। दिन रात नशे की हालत में रहने के कारण उसका मॉडलिंग का सपना टूट चुका था। टैयू ने उसे ड्रग्स के व्यापार और हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। वह प्रांजल की खूबसूरती का इस्तेमाल अपने गंदे धंधों को बढ़ाने में करने लगा। प्रांजल की जिंदगी नरक बन चुकी थी। ड्रग्स और टैयू के साथ रिश्ते ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। टैयू का व्यवहार बेहद क्रूर था। वह प्रांजल के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता। उनके बीच के रिश्ते से जुड़ी बातें आसपास के लोगों तक भी पहुंचने लगीं।
पड़ोसी अक्सर उनकी लड़ाई और चीख पुकार सुनकर परेशान होते थे। प्रांजल के परिवार को जब यह सब पता चला तो वे सदमे में आ गए। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी लत के कारण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। परिवार की कोशिशें नाकाम हो रही थीं। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि मुनिरका इलाके में एक नाइजीरियन व्यक्ति ड्रग्स का व्यापार कर रहा है। पुलिस ने वहां छापा मारा और टैयू को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसके फ्लैट की तलाशी ली तो वहां उन्हें प्रांजल बुरी हालत में मिली। वह पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में थी। टैयू को पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया। प्रांजल को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। वहां उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन उसके मानसिक और शारीरिक जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें भरने में वक्त लग रहा था। आज 2024 में प्रांजल नशा मुक्ति केंद्र में अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर को याद करती है। उसका मॉडलिंग का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा कि नशा और बुरी संगत इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे फैसले हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। प्रांजल का सपना था मिस इंडिया बनना, लेकिन गलत रास्ते और गलत लोगों की संगत ने उसकी जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी से सीखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए सही रास्ता अपनाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल यू मैकेनिक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।